नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा लर्निंग में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेई मेन्स का एग्ज़ाम के लिए अब एक ही महीना बचा है, तो उस लास्ट मंथ में टाइम मैनेजमेंट टिप्स और ट्रिक्स क्या क्या होनी चाहिए, वो मैं आप सबसे आज डिस्कस करूँगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी साथ के साथ प्रेस कर दीजिए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर वन वन है, फैमिलियराइज विद द एग्ज़ाम पैटर्न एंड मेक अ वीक वाइज टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। दिस टाइम टेबल शुड बी फॉलोड फ्रॉम द सेम डे। गाइज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, आप एक वीक वाइज टाइम टेबल बनाएं आपको कैसे करना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लाइन में, वो ये है कि उसको सेम डे से आप फॉलो करना चालू कर दें। क्योंकि गाइज, मैं वीडियो ही उस चीज़ पर बना रहा हूँ कि टाइम मेरे को मैनेज कैसे करें। एक महीने के करीब आपके पास टाइम बचा है, तो आप बिल्कुल टाइम आपको वेस्ट करना नहीं है। तो जो भी आप टाइम टेबल बनाएं उसे सेम डे से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। सेकेंड पॉइंट है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एस्टिमेट योर टाइम एज पर योर स्ट्रेंथ। विच चैप्टर टू गिवन, हाउ मच आवर्स एंड विच सेक्शन इज नीडेड टू बी पिक फर्स्ट। तो गाइज, आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आइडेंटिफाई करने हैं और किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये सब आपने देखना है। थर्ड टिप है, प्रायोरिटाइज योर गोल्स बिटवीन द अर्जेंसी वर्सेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द ट्रिक टू प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली इज टू अलॉट टाइम टू द गोल्स विच यू फाइंड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तो गाइज, आप अपने देखिए कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको किस पे ज़्यादा टाइम देना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन्हें ढंग से आप एकदम क्लियर कर लें। फोर्थ पॉइंट है, मेक अचीवेबल एंड रियलिस्टिक टारगेट। का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जो टारगेट बनाए वीक वाइज, जो अपना शेड्यूल बनाए, वो ऐसा बनाए जो अचीवेबल हो। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया जिसे आप अचीव कर ही नहीं सकते, तो गाइस उस टाइम टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लास्ट वन मंथ की आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एक तरह से, तो गाइस प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करें। टिप नंबर फाइव है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अवॉइड नेगेटिविटी एंड ओवर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। गाइस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रख के चलना है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे नेगेटिविटी और ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड कर सकें। तो गाइस, इसके बाद हम कुछ मैं आपको पैरामीटर्स बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे टाइम टेबल को मैनेज करने में। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं, बात करें तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी ऑलमोस्ट हैव अ मंथ फॉर द जेई मेन एग्ज़ाम। खाली जनवरी बचा है हमारे पास। एज्यूम दैट यू विल गेट अप्रॉक्स 240 आवर्स, कंसिडरिंग 8 आवर पर डे डिवोटेड टू योर प्रिपरेशन। हम ये मान के चल रहे कि 8 घंटे आप हर दिन अपनी प्रिपरेशन को देंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास अभी 240 आवर्स है। तो टोटल चैप्टर मार्क्ड हैं 76। टू कवर द कम्प्लीट सिलेबस यू नीड टू फिनिश द 16 चैप्टर्स ईच वीक। तो आपको जो टारगेट बनाना है, वो 16 चैप्टर हर हफ्ते में पढ़ने का टारगेट बनाना है गाइस, अगर आपको 76 चैप्टर्स पूरे कवर करने हैं तो। तो गाइस, कंप्लीटिंग इन दिस मैनर विल गिव यू टाइम टू रिवाइज द टॉपिक्स इन ब्रीफ। तो ये सब आपको कंप्लीट करने हैं, और ये मेरी एक तरह से स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा था लास्ट वन मंथ की। लास्टली, वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द 80-20 रूल, विच सेज 80% ऑफ द अनफोकस्ड एफर्ट जनरेट्स ओनली 20% ऑफ द रिजल्ट, वेयर 20% ऑफ द फोकस्ड एफर्ट कैन जनरेट 80% ऑफ द रिजल्ट, सो कंसनट्रेटेड स्टडीज आर मोर इंपॉर्टेंट टू गेट गुड रिजल्ट। तो गाइस, इसी के साथ ही ये थी मेरी कुछ टिप्स आपके लिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।